सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन तंदूरी। हम वो भी हम गैस पे बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनेगा गैस पे और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। इसके लिए हमने दो चिकन लेग पीस इसके हमने लिए हैं इस तरह, और इसको हमने धो के बिल्कुल साफ कर लिया है और इस तरह हमने इसमें बीच में इसमें कट लगा लिए हैं जिससे हमारा तंदूरी चिकन जो है बहुत बढ़िया बनेगा। और इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं और ये घर में आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। और दही हमने लिया है करीब आधी कटोरी, और इसके लिए दही हम बिल्कुल गाढ़ा दही लेंगे, पानी वाला बिल्कुल दही नहीं लेंगे, नहीं तो इसमें इसका मैरिनेट जो बनाएंगे वो सही से लगेगा नहीं। और करीब 2 चम्मच हमने बड़े इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। और मसाले हमारे कुछ लीजिए, मसाले में हमने ये तंदूरी मसाला लिया हुआ है। तंदूरी मसाला बाजार में रेडीमेड मिल जाता है और उसके लिए हमने करीब 2 से 2.5 चम्मच हमारे तंदूरी मसाला है और 1 चम्मच हमारा गरम मसाला, 1 नींबू लेंगे इसका रस, और ये हमारा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर है इसमें, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम है, और जीरा पाउडर करीब 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और ये फूड कलर है हमने इसमें रेड कलर का लिया हुआ है, और हम नमक लेंगे। ये हमारे सारे मसाले हैं, इनको हम मसालों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को धुल लिया था इसको, और इससे की जो कट हमने वहीं पर लगवा लिए थे, आप चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल इस तरह तिरछे लगेंगे और इस तरह, और इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे और इसको करीब हम 10 से 15 मिनट इसको ऐसे मैरिनेट करके रख देंगे और हाथ से कायदे से। इसको अच्छे से हम लगा देंगे, और जो दही हम लेंगे वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, और खट्टे के लिए हमने सिर्फ नींबू डाला हुआ है, और इसको हम ढक के करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको एक तरफ रख देंगे और हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें तंदूरी मसाला, गरम मसाला, नमक और थोड़ा फूड कलर, जीरा पाउडर, देगी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया, और हम हल्दी को सब मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसमें दही बिल्कुल हम कढ़ाई लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब मसाले को हमने मिक्स कर लिया है, और ये गीला ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर तंदूरी मसाला बाजार में बड़ी आसानी से भी मिल जाता है, बहुत से लोग तो ये बनाते समय अगर बाजार में नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगा, और ये बाजार में इजीली मिल जाता है। इसको सारा मैरिनेट हमने कर लिया है इसमें, और इसको और हम नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे, और इसको हाथ से मसाले को कायदे से अंदर तक ऐसे करते हुए लगा लेंगे, और इसको करीब हम 5 घंटे 5 से 6 घंटे इसको हमें फ्रिज में करके रख देंगे, इससे अच्छी से ये मैरिनेट हो जाएगा।
इसको बराबर से लगा देंगे, जो इसमें कट है इसमें भी हम मसाला अच्छा तरह से हाथ से कर देंगे। और इसको हम एक बर्तन में रख देंगे। और बाकी मसाला हम इसके ऊपर ही लगा देंगे। ये अच्छे से मैरिनेट कर दिया इसको हमने, 4 से 5 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे। वैसे मैंने तो 2 पीस लिए हैं, आप चाहे तो इसमें और भी पीस डाल सकते हैं, मगर हम इसको 2 पीस का दिखा रहे हैं। अब इसको ढक के करीब 5 से 6 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे और अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। लीजिए हमारा तंदूरी चिकन करीब ये 4 से 5 घंटे मैरिनेट हो गया। इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था और ये बढ़िया सा हो गया है। अब हमने गैस पे पैन रखते हैं और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने से एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी भी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर हम इसमें देसी घी और बटर डाल के इसको फ्राई करेंगे। लीजिए हमारा ये गरम हो गया है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ हम इस तरह डाल देंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे और इसमें जो मसाले को हम इतना ऊपर लगा देंगे। और इसको हम पलट पलट के इसको सेक लेंगे और भी हम कुछ देर इसको ऐसे रहने देंगे। और थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे टर्न कर लेंगे और इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम करीब 4 से 5 मिनट इस तरह रहने देंगे। उसके बाद फिर इसको हम पलट के 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसको हम टर्न करेंगे। इसको किसी चम्मच की सहायता से हम इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे और फिर इसको मीडियम हाथ से सेकेंगे। इसको हमने अच्छे से टर्न कर लिया है और इसको फिर हम ढक के 4 से 5 मिनट तक सेकेंगे। आप चाहे तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, मगर इसको हम आपको हमने बताया था गैस पे इसको बनाना बताएंगे, बहुत इजीली ये बन भी जाता है। इसको एक बार फिर हम टर्न कर देंगे इसको आराम से एक बार फिर देखिए अच्छे से बढ़िया सा सिक गया है। और इसको पकते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खुला ही पकाएंगे और इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। और ये अच्छे से पक भी गया है और इसको हम थोड़ा सा गैस पे इसको खुला सेकेंगे। और इसका मसाला जो हल्का सा लगा हुआ है इस तरह इसमें कर देंगे।
अब इसमें एक स्मोकीपन लाने के लिए हम इसको डायरेक्ट हम गैस पे इसको हल्का सा भूनेंगे इसको, और ये हमारा ये पक चुका है। अब गैस से हम इसको उतार के गैस पे हम इस तरह का एक हम जाली रख देंगे। आप चाहे तो पापड़ वाली या उस टाइप से भी आप इसको रख सकते हैं। अब इसको हम उठा के इस तरह और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे हम सेकने देंगे और बहुत ही सावधानी से इसमें करेंगे और एक एक पीस हम इस तरह आप चाहे तो दूध वाली जाली पे भी रख के इसको इस तरह सेक सकते हैं और जिससे रोटी भी सेकी जाती है जिसमें जाली वाली होती है आप उससे भी, मगर इसको हम इसमें सेक रहे हैं। और इसको हम देखते रहेंगे कि जल ना जाए, तो इसलिए हम बराबर इसको और इसको हम टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लिया है और इसमें अच्छा से एक स्मोकीपन आ गया है और इसको हम निकाल लेंगे और इस तरह दूसरा हम सेक लेंगे। और इस वाले पीस को भी हम पलट लेंगे। इसको हमने दोनों तरफ से सेक लिया है। अब तैयार है ये हमारा तंदूरी चिकन और इसको हम सर्व करेंगे। दीजिए, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको एक प्लेट में इसको हम सर्व करेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में इस तरह निकाल लेंगे और संग में हम इसमें प्याज और संग में चटनी भी रख देंगे। हमने चटनी पुदीने और धनिया की बनाई है और संग में नींबू दीजिए। हमने तंदूरी चिकन के प्लेट सजा दी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। इसको हमने चटनी के संग प्याज के संग इसको सर्व किया है और बिल्कुल ये बाजार रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है। आप हमारे दिए तरीके से इसको बनाएं और इसको सर्व करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।